हेलो एवरीवन, आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 13 हैं प्रकाश में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है बच्चों तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 13 हैं प्रकाश और इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो, इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? तो इसमें है कि प्रकाश से देख पाते हैं। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं हो तो क्या तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देगी? नहीं, वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। आगे है यहाँ पर कि यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख पाओगे? क्यों? हाँ, हम देख पाएंगे क्योंकि टॉर्च या मोमबत्ती का प्रकाश होता है और उसके प्रकाश से हम देख पाएंगे। आगे अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित चित्र में प्रकाश की किरण ए ओ समतल दर्पण MM पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होकर परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, अब इनके नाम लिखने हैं। इसने ये कहा है, जैसा कि आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे हो तो इसमें एक ये वाली जो है ए ओ है, ये इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको ए ओ है, ये आपतित किरण कहलाएगी, सॉरी ये है आपतित किरण। और यहाँ ये जो नज़र आ रही है आपको ओ बी, ये है परावर्तित किरण। और जो ये ओ पी है, ये है अभिलंब। तो इनके नाम लिखने थे। यहाँ पर देखिए, ए ओ आपतित हैं, ओ बी परावर्तित किरण है और ओ पी है अभिलंब। अब इसी पर आधारित है इसमें कि चित्रानुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। परावर्तन कोण कितना होगा? एल जो ये सॉरी जो कोण आई है ये 30 डिग्री का होगा। जैसे कि यहाँ ऊपर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, यहाँ देखिए ये रहा कोण आई 30 डिग्री। तो इसी तरह से यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रावर्तन कोण ये है कि यदि आपतन कोण को 40 डिग्री कर दिया जाए तो प्रावर्तन कोण कितना होगा? तो ये प्रावर्तन कोण जो है कोण आर बराबर है होगा 40 डिग्री। आगे चित्र के आधार पर प्रावर्तन के नियमों को लिखो। तो इसमें है आपतित किरण, प्रावर्तित किरण व अभिलंब एक तल में, और दूसरा है आपतन कोण है कोण आई बराबर है कोण आर प्रावर्तन कोण। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है कि पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श क्यों नहीं? क्योंकि पक्का फर्श चीकना व चमकदार प्रावर्तन के कारण होता है। खुरदरे धरातल व चिकने धरातल से होने वाले परिवर्तन में क्या अंतर है? तो चिकने पर नियमित प्रावर्तन होता है और खुरदरे पर विश्रित प्रावर्तन होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसने दिया है कि ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिसमें चमकदार सतह दर्पण की तरह व्यवहार करती हो। तो इसमें एक तो है स्टील की चम्मच, एक है सनमाइका मेज की और एक है पानी। अब इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो उसमें क्या है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ मोड़ो, शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा हुआ है। अब यहाँ देखो, ये है दर्पण, इसमें शीशे के आगे ये खड़ा है और खड़े होकर देख रहे हैं और एक हाथ इसने मोड़ दिया है। तो इसमें इसने पूछा है कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा हुआ है। तो इसमें है दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, बायां भाग दायां व दायां भाग बायां हो जाता है। जैसे ये दर्पण दिखाया गया, देखिए ये दर्पण है, इसमें जैसे ये दिया गया है, इसमें इस तरह से बी दिया गया है, ये ऐसे हमें नज़र आता है। तो इस तरह से दायां भाग बायां बन जाता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है।
अब है कि जब दो दर्पणों को किसी कोण पर झुका कर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना कर सारणी में भरो। तो यहाँ पर देखिए, इसने दो दर्पण ले रखे हैं, एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये, इस तरह से है, ठीक है। ये दो दर्पण जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, और अब इसमें जो है अलग अलग इसमें कोण भी बने हुए हैं, यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं हमें, है ना। तो इस तरह से इसको ये इसी आधार पर दर्शाया गया है। अब इसने इसने क्या कहा है इसमें कि दो दर्पण पट्टिका के मध्य कोण ये 40 डिग्री है, मान लो 40 का है, तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो 360/40 इनको काटेंगे तो 9 प्रतिबिंबों की संख्या आएगी। 120 में 3 प्रतिबिंबों की संख्या है, 90 में, 90 वाला जो है इसमें 360/90 और -1 करके जो है इसमें दिखाया गया है, और इसमें 4/1 यानी 3 प्रतिबिंब इसमें नजर आएंगे। और 60 वाला भी इसी तरह से कर दिया गया है, ये जो है 360/60 जब करेंगे, 360/60 तो ये 6 आ जाएगा, 6 में से 1 घटा करेंगे तो ये 5 प्रतिबिंबों की संख्या इसमें आएगी। आगे है यहाँ पर गतिविधि 1 कि अपना पेरिस्कोप बनाओ, तो ये पेरिस्कोप बना रखा है, और इसमें यहाँ पर देखिए एक बार क्या दिया है कि चित्र में दिखाए अनुसार पेरिस्कोप बनाओ। इसके लिए तुम्हें दो दर्पण, गत्ते का ट्यूब या लंबा डिब्बा, चिपकाने वाला टेप व कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। तुम अलग अलग आकार और ऊंचाई के पेरिस्कोप बना सकते हो, जिस तरह से ये पेरिस्कोप बना रखा है इसी तरह से यहाँ पर देखिए दर्पण, ये दर्पण यूज़ कर रखा है यहाँ पर, है ना, ये गत्ते की लकड़ी का बना हुआ ये डिब्बा यूज़ कर रखा है, और इस तरह से पेरिस्कोप बनाना है। अब आगे इसने क्या कहा है, प्रश्न नंबर 6 में है कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए पेरिस्कोप का उपयोग तुम कहाँ कर सकते हो। नाव से समुद्र की सतह को देखने में कर सकते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग किन वाहनों में किया जाता है, नाव में किया जाता है। कभी कभी जब हम धूप में घूमकर किसी कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तब अचानक हमारी आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है, क्यों। तो ये प्रीतारिका द्वारा पुतली को समायोजित करने में थोड़ा समय लगता है, ये इसी कारण होता है। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट की हमारे नेत्रों में पुतली का क्या कार्य है। यहाँ देखिए ये नेत्र दिखाया गया है, और नेत्र में ये है पुतली, तो इसमें पुतली द्वारा ही आँख में रोशनी प्रवेश करती है। तो पुतली का क्या कार्य है, पुतली द्वारा हमारे आँखों में रोशनी जो है वो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करो आँख के विभिन्न भाग। आँख के विभिन्न भाग में एक भाग है इसका कॉर्निया, ये नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। एक है आयरिस, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक लेंस है, ये प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना इसका काम है, और रेटिना जो है वो है पर्दा जिस पर चित्र बनता है, वो पर्दा है ऐसा कि जिस पर चित्र बनता है वो रेटिना कहलाता है। अब इसी तरह है शंकु तंत्रिका कोशिकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही हैं ये। आगे है शलाका तंत्रिका कोशिकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही हैं। अब आगे आ जाता है यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कि वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है। एक, चिकित्सक इसका इलाज किस प्रकार करता है, शिक्षक से चर्चा कर लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण ऐसा होने पर ये कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। सल्प क्रिया द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर पारदर्शी लेंस लगा देते हैं। नेक्स्ट है तुम नेत्रों की उचित देखभाल किस प्रकार करोगे। पहला इसमें आ जाएगा उचित चश्मे का उपयोग करेंगे, अत्यधिक तीव्र प्रकाश व मंद प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए, और तीसरा है नेत्र को रगड़े नहीं, साफ ठंडे पानी से धोएं। तो इस तरह से हम अपने आँखों की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है कि एक व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित है, तुम उसे भोजन में क्या क्या खाने की सलाह दोगे और क्यों। तो इसमें आएगा जो है हम उसे विटामिन की कमी है, क्योंकि यह विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए से भरपूर भोजन ले,
जैसे कि हरी सब्जियां, पीले फल, समुद्री खाद्य पदार्थ आदि। अब यहाँ पर आ जाता है कि दृष्टि संबंधी अक्षमताओं से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार पढ़ पाते हैं, अपने शिक्षक व साथियों के साथ चर्चा कर लिखो। तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि दो प्रकार के दोष सामान्यतः बच्चों में हो जाते हैं। एक होता है दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि में दूर की जो है वस्तुएं हमें दिखती हैं, पास की दिखती नहीं है, और निकट की दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। उन्हें उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो समझ में आ गया बच्चों, दूरदृष्टि रोग है उसमें दूर की वस्तुएं जो है वो दिखती हैं। दूरदृष्टि होता है दूर की वस्तुएं साफ नज़र आती, पास की नहीं आती, और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसे निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब इसी तरह से आगे यहाँ है कि किसी नेत्रहीन व्यक्ति से पूछो कि उसे पढ़ने के अतिरिक्त अन्य किन किन कार्यों को करने में मुश्किल होती है, अपने अनुभव नीचे लिखो। तो उसमें आसपास की जगहों को तलाशना पड़ता है, सड़क पार करने में दिक्कत आती है, अपना खुद का शारीरिक काम करने में भी दिक्कत आती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि सही व गलत का निशान लगाओ व गलत कथनों को सुधार कर लिखो। तो इसमें विसरित प्रावर्तन में आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर जो नहीं है वो नहीं आएगा, यहाँ बराबर होता है ऐसे आएगा, तो इसलिए ये जो है क्रॉस कर दिया गया है। दूसरा है कि आपतित किरण, प्रावर्तित किरण व आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसे टिक कर दिया गया है, इसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे है इसमें कि नियमित प्रावर्तन में किसी समतल पृष्ठ से प्रावर्तित किरण समांतर नहीं होती है, तो ये भी गलत है, समांतर होती है, ऐसे आना है। आगे है इसमें कि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है, इस पे आएगा प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आपको इस तरह से लिखना है। तो आप इन्हें सुधार लें, अपने जो भी ये कथन गलत दिए गए हैं, और जो सही है उसे आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पाठ में मैं फिर आपके लिए नई वीडियो जो है वो लेकर आऊँगी। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।